हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीपीएल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इन्वर्टर इंस्टॉल। आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा फ्रेंड। सबसे पहले ये बैटरी का देख सकते हैं, ये नट भूल दिया है जो बैटरी का कसने के लिए, और इसमें दिया हुआ है सारा चीज़ जो देख सकते हैं। ये 200 एम्पियर ट्यूबलर का है, साइड कंपनी का 200 एम्पियर का बैटरी है। इसका हम आज इन्वर्टर में कनेक्शन करके बताएंगे इन्वर्टर में बैटरी कैसे सेट किया था और घर में इन्वर्टर कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हम बैटरी को निकाल लेंगे। इसमें से देख सकते हैं, इसमें वाटर लेवल दिया हुआ है। ये वाटर लेवल है जो इसमें वाटर का दर्शाता है कि, और अब हम इसमें से बैटरी को निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इसमें कटिंग दिया रहता है साइड से, तो उसे हम अंदर कर लेंगे सबसे पहले और हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए IT750 मॉडल है बैटरी, इसका लाइफ अच्छा है। 200 एम्पियर का ट्यूबलर बैटरी है जो इन्वर्टर में अच्छा काम करता है। ये पानी लेवल का है। सबसे पहले हम बैटरी को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम बैटरी को निकाल लेंगे, अंदर की तरफ कर लेंगे दोनों, और ऊपर की तरफ से खींच कर बाहर निकाल लेंगे बैटरी को। चलिए हम बैटरी को पहले निकाल लेते हैं। मेरा बैटरी आ गया बाहर। अब हम इसका स्टैंड, इन्वर्टर स्टैंड को खोलेंगे। ये इन्वर्टर स्टैंड है, ये रेडीमेड आता है, इसे हम सेट कर लेंगे सबसे पहले। ये सारा दिया हुआ रहता है फिटिंग करने के लिए इसमें, और अगर आपको नहीं फिटिंग करना आएगा तो इस पर दिया हुआ आता है पुर्जे पर, सारा फंक्शन दिया रहता है, या पुर्जे ऊपर भी दिया रहता है किस तरह से सेट करना है, कौन सा पहले लगाना है। इसे आप बैठा कर आसानी से सेट कर सकते हैं। इसे बैठाने में बहुत आसानी से बैठ रहा है। इसमें 6 चक्का दिया हुआ है, इससे मजबूती प्रदान होता है बैटरी हैवी रहने पर, बीच में से धसेगा नहीं। सबसे पहले हम इसे की तरफ से लगा लेंगे सिलाई को। इशारा दिया हुआ रहता है खर्चा, उसमें बैठा देना है, और स्क्रू दिया रहेगा उसे कस देंगे। इस तरह से हम बैठा लेंगे, आसानी से ये फिट कर सकते हैं। इस तरह से ये बैटरी का रखने वाला फाइबर दिया हुआ है, इसमें अगर पानी गिरता है तो ख़राब नहीं हुआ प्लाई, नहीं तो ख़राब हो जाता है इसलिए। चलिए अब हम बैटरी को डाल लेते हैं। सबसे पहले बैटरी का खूंटी उस तरफ इसलिए रखना है, और ये वाटर लेवल इस रखना चाहिए बाहर की तरफ, क्योंकि पानी डालने में आसानी रहता है, क्योंकि पानी हमेशा डालना पड़ता है, इसलिए इसे बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से बैठा लेते हैं। अब देखिए इसमें स्क्रू दिया हुआ है, सारा स्क्रू को उसमें कस लेंगे। स्क्रू दिया हुआ इसलिए कि हेल्ड और होगा तो इधर उधर गिरेगा नहीं, स्क्रू दे देने से टाइट फिटिंग बैठ जाता है। तो इसे हम कस लेते हैं सारा स्क्रू को। कैमरा इन्वर्टर को हो गया। अब इन्वर्टर हम सेट करेंगे। सबसे पहले इन्वर्टर में जो दिया रहता है आउटपुट, जो चार्जिंग वाला बैटरी में लगता है, 2 वायर देख सकते हैं मोटा, जो ब्लैक और रेड दिख रहे हैं, इसे हम बैटरी में कस लेंगे। बैटरी में दिया रहता है माइनस प्लस, माइनस प्लस सही से देख कर हम को करना होगा, नहीं तो बैटरी जल जाएगा उल्टा कर देने पर। तो हम इसे क्लिप को अच्छे तरह से कस लेंगे माइनस प्लस देख कर। नट बोल्ट से कस लेंगे बैटरी में। नट बोल्ट से कसने में ये होता है कि अच्छे तरह से बैठ जाता है, स्पार्क नहीं करेगा, नहीं तो ख़राब हो जाता है ढीला रहने को, इसलिए नट बोल्ट से कसना चाहिए। और कसने के बाद इसमें जेली लगा देना है, जेली या वैसलीन, इसे लगा लेंगे। वैसलीन लगा लेने से ये होता है कि इसमें चुटिया जो होता है वो नहीं पकड़ता है। तो चलिए अब हम कस लेते हैं। सबसे पहले रेड वाला वायर को कस लेंगे इस तरह से, और उसके बाद ब्लैक वाला, दोनों हम कस लिए। इस तरह से आप बैटरी में कस लीजिएगा। अब इसमें देखिए इसका जो चार्जिंग के लिए आउटपुट होता है इनपुट वाला वायर, उसमें हम एक वायर लेंगे और उसमें देने के लिए करेंगे। देखिए इसका फंक्शन दिया रहता है हाई चार्जिंग, नॉर्मल चार्जिंग, नॉर्मल पर रखना है। इनपुट वोल्टेज रेंज को कर देना है ऊपर की तरफ। चलिए अब हम इसको सॉकेट को बोर्ड में लगा लेते हैं।
बोर्ड में बैठा लेंगे हम सॉकेट को। चलिए हम बोर्ड में बैठा लेंगे। ये प्लेट देखें तो प्लेट को इस तरह से खोल लेना है बोर्ड को साइड से। साइड से हम खोल लेते हैं प्लेट को सबसे पहले। चलिए सारा इसको खोल कर इसमें हम सेट करेंगे किस तरह से सेट करना है बोर्ड। इसके बाद इसमें देख सकते हैं एक तो ग्रीन वायर आया हुआ है सीट में, सॉकेट है लाइन पर और सीट। तो सबसे पहले तो 6 एम्पियर का ले लेंगे सॉकेट और इन्वर्टर में जो पीछे की तरफ लगता है उसके लिए। तो सबसे पहले हम इसमें प्लग में कैसे कनेक्शन किया जाता है टॉप में, 6 एम्पियर का टॉप लिया है तो इसमें हम कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। इसमें एक वायर ले लेंगे 1 mm या 1.5 mm का, हम 1.5 mm का वायर ले लिए हैं और इन्वर्टर का अंडरग्राउंड में वायर डाला हुआ है बोर्ड में, तो इसलिए हम ग्रीन कलर का डाला हुआ है। ग्रीन कलर का वायर था इसलिए हम ग्रीन कलर का ले लिए। किसी भी कलर का आप ले सकते हैं वायर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सबसे पहले एक बात ध्यान देना है, इसमें राइट तरफ से कनेक्शन देना है, राइट तरफ देख सकते हैं इसमें करना है इन्वर्टर के लिए, हमेशा नहीं तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट में न्यूट्रल रहता है और राइट में फेज तक फेज राइट में रखना है। हाँ इससे हम कर लेंगे। और बोर्ड में भी ध्यान देना है सारा फेज राइट में होना चाहिए सीट से, नहीं तो न्यूट्रल अगर उल्टा रहेगा तब इन्वर्टर सही कार्य नहीं करेगा, बार बार ओवरलोड बोल देगा। तो इसलिए सारा कनेक्शन पहले चेक कर लेना है सारा बोर्ड में कि सही है या नहीं स्विच में, उसके बाद हम कनेक्शन कर लेंगे। क्योंकि हम ये टॉप पास लिए राइट तरफ, इसको हम अब कनेक्शन करेंगे। लेकिन इन्वर्टर का वायर डाले हुए थे स्विच में कर लिए, उसमें स्विच में कर लेंगे। इसको पहले टॉप को लगा लेते हैं इन्वर्टर के आउटपुट में, यही वायर और टॉप से पूरे रूम में आपका इन्वर्टर का कनेक्शन दौड़ेगा। चलिए टॉप लगा लेते हैं। सबसे पहले बात ध्यान देना है कि बोर्ड में पावर ब्लॉक रहना चाहिए पावर सॉकेट, नहीं तो बार बार जल जाता है क्योंकि हेवी चार्ज लेता है ये, और चार्ज लेता है तो ज़्यादा हेवी हो जाता है, इसलिए हम इसके बाद हम कनेक्शन कर लेते हैं 1.5 mm के वायर से अच्छी तरह से। वो जो स्विच में आया हुआ है मेरा 1.5 mm वो ग्रीन कलर का वायर, वो 1.5 mm का डाल दिए हम इन्वर्टर का अंडरग्राउंड में, तो इसमें हम कनेक्शन दे देंगे। यहाँ से देंगे कनेक्शन तो सारा रूम में चला जाएगा जहाँ जहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन दिया जाता है। और अगर जिस बोर्ड में अगर सॉकेट में हम लगाए हैं टॉप ये इन्वर्टर का, उसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वो लाइन पर होना चाहिए तब चार्ज लेगा। तो उसको देख सकते हैं वो अलग कनेक्शन किया हुआ है और ये इन्वर्टर पर दिया हुआ है अलग से। जो ग्रीन कलर का देख सकते हैं ये 1.5 mm का वायर यहाँ फंसा हुआ था वहीं पर हम फंस लेते हैं स्विच में, या बीच में भी जोड़ सकते थे इसको, तो वहाँ जगह है इसलिए हम अच्छे तरह से उसमें फंसा जाएगा स्विच में। इस तरह से हम कनेक्शन कर लेंगे, हमारा टॉप लग गया है टाइम आउटपुट में। इस तरह से इन्वर्टर का कनेक्शन किया जाता है। अब हमारा कनेक्शन हो गया, अब हम लाइन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए स्विच ऑन करेंगे, जैसे चार्जिंग होने लगा स्विच ऑन कर दिया है। अब हम बोर्ड कस देंगे सबसे पहले, उसी तरह से नीचे की तरफ से वायर को निकाल लेंगे 1 mm या 1.5 mm निकालना ही पड़ेगा आपको, तो क्योंकि वो जाता है इन्वर्टर में, वही अगर इन्वर्टर आपका ख़राब होता है 1 mm या 1.5 mm का जो वायर डाले हैं जो आउटपुट में एक 1 वायर वाला, वही सॉकेट आप डायरेक्ट बोर्ड में लगा सकते हैं अगर आपका इन्वर्टर ख़राब होता है तो। देखिए हम लाइन दे दिए और मेरा चार्जिंग होने लगा है। इस तरह से आप इन्वर्टर का कनेक्शन कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, इस तरह का हम वीडियो लाते रहेंगे। अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं फ्रेंड। जय हिंद जय भारत।